नमस्कार, जीएन भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राशिका बजाज। झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी मैदान के पास हुई गोलीबारी में सोमवार को पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। एसआईटी की टीम ने इन अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इस बात की जानकारी रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने पत्रकारों को दी। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, दिनांक 27/1/2022 को दिन दहाड़े 2 बजे रांची के अति व्यस्तम मोराबादी के इलाके में एक रक्तरंजित प्रयास किए गए थे और सरेआम फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। उसमें एक जो आदमी थे करोलामा, जो अपराधी कृष्ण व्यक्ति था, उसका डेथ हो गया था। 2 लोग इंजोर्ड था, क्योंकि बहुत ही भीषण तरीके से इस पर अटैक हुआ था और मामले की ग्रेविटी, सेंसिटिविटी और इसका प्रोफाइलिंग देखते हुए एक बहुत ही चुनौती था रांची पुलिस के लिए कि जितनी जल्दी हो सके इस केस का उद्भेदन करें और यहाँ के मतलब पुलिसिंग का एक जो प्रोफेशनलिज्म है फिर से वो मतलब शो करें। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सिटी साहब के नेतृत्व में एक टीम फ्रेम किया गया था, जिनमें इनके साथ डीएसपी सिटी दीपक जी, डीएसपी जिसने पेशेवर तरीके से घटना को अंजाम दिया। बहुत जल्दी पुलिस ने उन लोगों को आइडेंटिफाइड किया कि कांड में कौन कौन लोग थे। दूसरी चुनौती पुलिस को उसको अरेस्ट करना, उसके अरेस्टिंग के बाद प्रयास था कि जो कांड में हथियार मोटरसाइकिल यूज किया गया था उसको रिकवर करना। कुल मिला के पुलिस के सारे एक्शन कम्प्लीट हो चुके हैं। जो रिकवरी का था, जो आपने देखा होगा 2 मोटरसाइकिल पे 5 लोग थे, उसमें जो है ज्ञान रंजन, संदीप, सोनू कुरैशी, इन तीनों की अरेस्टिंग हुई है जो उस रॉट में थे। साथ ही रविश भारद्वाज नाम का व्यक्ति था जो पूरे प्लानिंग में इन लोगों का साथ दिया था, कांड कैसे अंजाम दिया जाए, कहाँ पर इन लोगों को रुकाया जाए, कहाँ पर ठहराया जाए, रूट किससे दिया जाए, कैसे इन्फॉर्मेशन पुलिस वाले में दिया जाए। और साथ ही बिट्टू खान जो कि तथाकथित जमीन को लेकर इशू था, जिस तथाकथित लैंड को लेकर जिसमें कि 2 गैंगस्टर के बीच का इशू आ रहा था, तो कहीं ना कहीं बिट्टू खान का एसोसिएशन लैंड से रहा है। कुल मिला के अभी 5 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है और घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा आप देख पा रहे होंगे, पिस्टल राउंड्स, और जो आपने बाइक देखा होगा बाइक की रिकवरी हो गई है। इनफैक्ट फुटेज में आप लोगों ने देखा होगा जो वस्त्र का इस्तेमाल किए थे, जो जूता इस्तेमाल किया था, उसकी भी रिकवरी हो गई है। अभी 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और 1-2 लोग और हैं जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी रिजल्ट आप लोगों के पास होगा। थैंक यू। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।